वास्तव में एक ही पक्ष था लेकिन उसके दो हो गए। एक पक्ष अपने आप को मुसलमान कहता था और बाकी लोगों को हिंदू कहता था। क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ। सब मुसलमान तो गए नहीं, जो यहां रहे वो क्यों रहे? और एक बार हो गया ना, जिनको अलगाव चाहिए था वो उधर चले गए, जो यहां रहे उनको अलगाव नहीं चाहिए था इसलिए यहां रहे। फिर भी ये बात क्यों होती है? दंगे क्यों होते हैं? आपस में रंजिश क्यों होते हैं? तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने इसका विचार करना चाहिए। भारत उस समय उनकी क्या गलती हुई? क्योंकि वो भारत में है, उनके पूर्वज भारत में रहे, भारत में रहना उन्होंने पसंद किया, पाकिस्तान को नकार दिया, ऐसा दिखता तो है। अगर ये वास्तविकता है तो क्या उस समय गलती हुई जो ये हो गया कि भारत में के मुसलमान विभाजन के पक्ष में है? बल्कि आज बहुत लोग कहते हैं उसमें भी हम ये वास्तविक तो उसके सब लोग पक्ष में नहीं थे, तो जो नहीं थे वो बोले क्यों? क्या हुआ? वो पहली बात यह है कि इस बात का पोषक जो जो उनको मिला है या परंपरा से आया है या गलती से घुस गया हो उनके जहन में कि हम ही सही बाकी सब गलत और हम उनके साथ नहीं रह सकते जो हमसे अलग है, इसका पोषण करने वाली जो जो बातें हैं उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा इलाज नहीं। पूजा की एक बात है तो पूजा तो हमारे यहां पूरी स्वतंत्रता है और अपनी पूजा में स्वयं को कट्टर रहना इसका स्वीकार भी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि तुम धनुष बाण हाथ में लो, मुरली हाथ में लेके खड़े हो तब तक मैं तुमको नमस्कार नहीं करूंगा। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि लोगों जो मुरली हाथ में लेता उसको नमस्कार मत करो, जो उसके भक्त थे उनका उतना ही आदर उन्होंने किया। उन्होंने मीराबाई का आदर किया, मीराबाई को प्रोत्साहन दिया। तो भक्ति की कट्टरता अपने लिए व्यक्तिगत वो तो समझ में आती है, वो होती है, होनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना और अगर वो नहीं है वहां तो उनको अलग मानना, उनसे दूर हटना, उनको दूर रखना, बने तक उनको दबाए रखना, ये जो प्रवृत्ति है वो छोड़ देनी पड़ेगी। हुआ होगा एक इतिहास जब राजा के पूजा के आधार पर हिंदुओं का राज मुसलमानों का राज कहा जाता था और इस आधार पर अगर अभी भी यह सोचा जा रहा है कि हमारा यहां पर प्रभुत्व होगा तो यह प्रभुत्व की बात गलत है। भारतवर्ष में सब लोग मिलकर तय करते हैं अपने प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों के आधार पर सरकार बनती है। आज का हमारा संविधान कहता है और पहले की हमारी परंपरा भी कहती है कि राजा सबका होता है, उसका अपना, उसकी अपनी पूजा हो सकती है लेकिन वो सब पूजा के लोगों को समान रूप से देखता है। राज्य किसी पूजा का नहीं होता है, राज्य धर्म का होता है और वो धर्म पूजा से संबंध कम रखता है। वो धर्म सबको जोड़ना, सबको ऊपर उठाना, सबकी उन्नति करना, इसके लिए आवश्यक कर्तव्य और स्वभाव पर जोर देना। आज हमारा संविधान देखे तो इसी का आज की भाषा में वो अभिव्यक्ति है, उसके तफसील में वैसी बातें पूरी की पूरी होगी नहीं होगी ये चिकित्सा का विषय, लेकिन मूल तो उसका यही है, उसको मान के चलना पड़ेगा। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो अब आपको क्या लगता है पता नहीं, मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं ये 2021 है, 1947 नहीं। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से कुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं।
कोई कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे। यह पक्का है, मेरे मन में रंच मात्र भी शंका नहीं।